एसी शोरूम में बैठने वाले ज्वेलर्स आखिरकार धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। बजट में ज्वेलरी पर 1% की एक्साइज ड्यूटी लगाने के खिलाफ पिछले 8 दिनों से दुकानों पर ताला लगाकर विरोध कर रहे ज्वेलर्स आखिर आज़ाद मैदान में हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। बीएमसी चुनाव के मौके को साथ कर कई नेता भी मंच की शोभा बढ़ाते नजर आए। धरने में लगाई एक्साइज ड्यूटी वापस लेने तक जारी रखने का ऐलान हुआ और दिल्ली में बड़े नेताओं तक पहुंचने का विश्वास भी जताया गया। व्यापारियों को समर्थन देने के लिए बीजेपी नेताओं की पूरी मंडली ही पहुंच गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित कंबोज अपने भाषण के दौरान बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि व्यापारी उनके लिए पहले है, पार्टी बाद में। देखिए, हमारा सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द एक्साइज ड्यूटी को रोल बैक करें। जो 1% एक्साइज ड्यूटी उन्होंने लगाई है बजट में, पब्लिक में काफी आक्रोश है और इंडिया भर में ज्वेलर्स बंद है और ये इनडेफिनेट स्ट्राइक में तब तक स्ट्राइक में रहेंगे जब तक सरकार इसको रोल बैक नहीं करेगी। कोई भी आदमी सरकार के खिलाफ नहीं है, सिर्फ एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ है। वो चाहता है कि हमारे पे इंस्पेक्टर राज ना लगे। तो मैं हाथ जोड़ के सरकार से विनती करूंगा कि लोगों पे इस एक्साइज ड्यूटी को रोल बैक करें और ज्वेलर्स को एक अच्छा गिफ्ट दें। मैं ये चैनल के माध्यम से सभी पार्टियों को नसीहत दूंगा कि अपनी राजनीति अपने पास रखें और देश में पप्पू एक बहुत बड़ी समस्या है। पप्पू पहले अपनी समस्या दूर कर ले। व्यापारियों की समस्या पप्पू तक दूर नहीं है, वो हमारे प्रधानमंत्री सक्षम है कि हमारी समस्या दूर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों यहाँ पर आए और बहुत सारा हुजूम आया और उसमें हमें जो आशीष सेलर जी आए और जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम दिल्ली जाकर ये बात जो बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के पास पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द रोल बैक कराएंगे। हमारे बीच मोहित जी और राज्य के पुरोहित भी आए, उन्होंने अभी हमारी बात अभी 3 बजे का समय चीफ मिनिस्टर से लिया हुआ है, देवेंद्र फडणवीस जी ने लिया हुआ है और अभी 3 बजे जाकर हमारी बात वहाँ पर रखने वाले है और जल्द से जल्द ये बात उन्हें दिल्ली पहुँचाने के लिए कहेंगे। हमने दिल्ली के ज्वेलर्स के अलावा भी ऑल ट्रेडर्स की मीटिंग की थी कल रात 8 बजे लिमेरिडन होटल में। उन्होंने सबने 17 तारीख को अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की बात हमारे को समर्थन में दी है। हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान के अंदर भी जो नॉन ज्वेलर्स लोग हैं वो भी हमारे साथ में आए। तो 17 तारीख को हमारा भारत बंद का ऐलान अभी तो नहीं है, 1-2 दिन में हम कर सकते हैं, लेकिन पूरे ज्वेलर्स और पूरी दिल्ली ऑल ट्रेड 17 तारीख को सब बंद है और रामला भरो आंदोलन हमारा वहीं से होगा। आज़ाद मैदान में दिए इस मोर्चे के बाद आखिर सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समय राष्ट्र न्यूज़ और इन 24 न्यूज़।